तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है डेविड नगरवाल। आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों बहुत दिनों बाद एक वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ स्कीमेटिक टूल को लेके। आपको पता है जैसे जैसे मैं नए नए स्कीमेटिक टूल सबसे पहले आपके लिए लेकर आता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ ये स्कीमेटिक टूल है यहाँ से डाउनलोड कर लो या ऐसा चला लो, तरीके से टेक्निकली आप उसको पूरा रिव्यू करके उसको चला के पॉइंट टू पॉइंट, और उसको स्कीमेटिक में ये भी बताता हूँ कि आपको वहाँ पे सेक्शंस किस तरह से देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने अब तक जिन जाहो रीट्रैक्स हो या फिर जो भी नया कॉम्बिनेट आया है ZXW या जितने भी मैंने जो टूल है, बहुत सारे टूल मैंने मार्केट में यहाँ लॉन्च किए हुए हैं और सबसे पहले अच्छे से एक अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज एक बहुत ही अच्छा टूल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बिल्कुल नया टूल है। तो ये बहुत ही एक अच्छा टूल है, एक्चुअली इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। ये है DZKJ करके कुछ एक टूल है, फोन रिपेयर टूल है, बहुत अच्छा एक टूल है। ये बाहर के एक कोडर का टूल है और दोस्तों इस टूल की खासियत दूसरे टूल से थोड़ी अलग है और ये टूल थोड़ा सा महंगा, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ ये जिन जाओ के आपको लगभग आपको ये टूल परचेसेबल आपको मिलेगा, बट ये टूल ऑसम है और इसको मैंने खुद चलाया है और बहुत अच्छा टूल है। इस टूल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, छोटा छोटा बता देता हूँ फिर पूरा वीडियो बताऊँगा। इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे इस टूल में आपको डायग्राम तो मिल जाएंगे, साथ में इस टूल में आपको लेआउट पीसीबी लेआउट भी मिलेंगे बिट मैप के साथ में, जिसमें आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। और प्लस इसमें आपको मिलेंगे चाइनीज, जैसे इन्होंने सीपीयू के आपके डाटा सीट डाल दी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे आपको डाटा सीट आपको देखने को मिलेगी, हालांकि ये तो चाइनीज मॉडल मेंटेनेंस केस भी इन्होंने यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। साथ में इन्होंने चाइनीज मोबाइल डाटा सीट देखिए, डाटा सीट भी इन्होंने डाल के रखी है। तो ये सारी जो टूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही एक ऑसम टूल है और इसको परचेज जरूर कीजिएगा। तो ये आपको पूरा वीडियो में ही देखने को पता चलेगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और एक अच्छे हार्डवेयर टेक्नीशियन अगर आप बनना चाहते हैं तो इस टूल के साथ आप जा सकते हैं। तो अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। और अगर आपको ये टूल प्रैक्टिकली समझना है, आपको काम करना है, आपको नहीं आता है काम, तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीकॉम नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ कॉल करके आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं ऑफलाइन एक रियल ट्रेनिंग के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस टूल की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ना ये टूल मैं आपको एक डाउनलोड लिंक दे दूंगा नीचे, आपको वहां से उसको डाउनलोड कर लेना है। और ये टूल डाउनलोड करने के बाद में आपको इस तरह का टूल आएगा, ये देखिए इस तरह का आपका टूल आएगा। ये टूल जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। देखिए ये टूल आप जब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जाके आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको वो रजिस्टर करने को बोलेगा कि ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं इसलिए मेरे से दोबारा नहीं मांग रहा है, ये ऑटो रजिस्टर में चला जाता है। आपको सिर्फ एक अपना एक आईडी बनानी, ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं देनी है, आपको सिर्फ एक आईडी और एक पासवर्ड देना है। और वही आईडी और पासवर्ड अब इस टूल को जब परचेस करेंगे तो आपको जिनसे परचेस करना है उनको देना है। हालांकि आपको दोस्तों ये परचेस करना है ZX Malik से, और जो कि आपको पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट रेट दे रहे हैं। और अगर आप एशियर टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं तो उससे भी बेस्ट रेट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको बताया है कि हम नंबर 1 है, क्यों है, रीजन बहुत सारे हैं। आपको नए नए टूल्स आपके हार्डवेयर, क्योंकि स्टूडेंट हमसे जाने के बाद भी देखिए हार्डवेयर टूल हो गया या सॉफ्टवेयर टूल हो गया, उसमें कितना डिस्काउंट, क्या क्या नई नई चीज़ हम लेकर आते हैं जो कि शायद दूसरे सोच भी नहीं पाते होंगे। पर कहने का मतलब ये है कि अगर हमने आपके साथ काम करने का वादा किया, अगर हमने सोचा है कि हम आपको आगे लेके जाएंगे तो हम आपको आगे लेके जाएंगे। बट आप में भी वो एक हार्डवर्क, आप में भी एक वो हार्ड वर्किंग और साथ में चलने वाली क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए इस टूल की शुरुआत करते हैं। इस टूल को मैंने दो भाग में बनाया है क्योंकि बहुत बड़ा टूल है और बहुत अच्छा टूल है। तो आईफोन का जो मैं भाग बनाया है वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे बनाया है, वो बनाया मैंने बता देता हूँ, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। अगर आप आईफोन के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आपने यूट्यूब में जाकर आप देखिए, आप जैसे मेरी वेबसाइट में भी जा सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टेंट में जा सकते हैं, और नीचे मैंने अपना यहाँ पर सारा डाल के रखा हुआ, देखिए कॉन्टेंट में जा सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए देवेंद्र अग्रवाल, आप इसको क्लिक कीजिए, आप YouTube में जाकर देवेंद्र अग्रवाल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप ये आईफोन वाला रिव्यू इसमें देख सकते हैं कि आईफोन में सच होता है, इसमें मेंटेनेंस केस दे के रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने दे के रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ टूल है, आपको सीखने को मिलेगा, हो सकता है जो आपने ऑनलाइन में भी ना सीखा हो तो ये आपको सीखने को मिलेगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एंड्रॉयड वालों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं बात करूँगा जैसे हुवावे हो गया, ओसोस हो गया, साउमी, ओप्पो, वीवो, मेजू, सैमसंग और चाइनीज़ मोबाइल मेंटेनेंस केस भी हो गया, और भी कुछ नीचे दिया हुआ है, तो चाइनीज़ मोबाइल IC डाटा सीट हो गए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी।
तो जब आप ये टूल डाउनलोड कर लेते हैं तो 15 दिन का ये टूल फ्री है, आप चाहे तो इसको यूज भी कर सकते हैं, बट आपको रजिस्टर कराना होगा ये टूल। और रजिस्टर जब आप करा लेंगे तो ये टूल आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए और 3 साल, मतलब मैं आपको इसका प्राइस बिल्कुल एंड में बताऊंगा, पहले टूल के बारे में मैं आपको इसके प्राइस सबसे एंड में बताऊंगा, पर सबसे पहले टूल के बारे में समझ लीजिए कि वाकई में ये टूल परचेस करने लायक है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोबाइल बनने भी केस आते हैं तो वो है साउमी, तो शुरुआत से भी शुरू करेंगे तो साउमी के अगर मैं खोलूँ यहाँ पर तो आप देखिए MI 10, MI 9 Pro, 9SE बहुत सारे मॉडल आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, MI Note 3। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात कि बहुत आपको इसमें बिट मैप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बिट मैप क्या होता है मैं इसको आगे समझाऊंगा, मतलब एक हो गया कि सिर्फ डायग्राम PDF में दे देना, एक हो गया कि आप उसको बगैर लोकेशन उसके ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको K30 और Redmi MI Note 8 ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो देखिए आपको लग रहा होगा ये मॉडल यहाँ पे कम है, पर एक्चुअली मॉडल यहाँ पे कम नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इन्होंने स्कीमेटिक यहाँ डाला हुआ है, तो लेआउट इन्होंने यहाँ डाला हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर Xiaomi का लेआउट खोलता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर लेआउट देखने को मिलेंगे, जैसे 6A अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो 6A का लेआउट आपको देखने मिल जाएगा। ये बिट मैप होता है, जैसे कि अब मैं बताता हूँ इस बिट मैप को है क्या आप कर सकते हैं। जनरली जितने भी टूल आ रहे हैं, अभी कॉम्बिनेंट भी बिट मैप निकालने वाला है, बहुत जल्दी हो सकता है कि वो भी एक अपडेट डाल दे। तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें मुझे स्पीकर का प्रॉब्लम आता है तो मैं इसको क्लिक जैसे करूंगा यहाँ पर तो वो मुझे बताएगा कि किस किस कॉम्पोनेंट के साथ बोर्ड जुड़ा हुआ है। बस हमें नॉलेज होनी चाहिए कॉम्पोनेंट सीरीज है, पैलर है, कैसे चेक करें भाई उसको लगाना है निकालना है कैसे, और वो प्रैक्टिकली भी आना चाहिए, सिर्फ आप पढ़ के तो कुछ होगा नहीं। तो ये होता है बिट मैप। तो उसमें बकायदा जैसे आपके Note 7 के हैं, Note 5 के हैं, ये सारे आपको बिट मैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और ये अपडेट होगा और बहुत अच्छे से होगा क्योंकि अच्छा प्राइस आपसे ले रहे हैं और आपको पता है कि जो आपसे अच्छा प्राइस लेंगे, जो एक वैल्यूबल चीज़ होती है ना दोस्तों, थोड़ी महंगी होती है, सस्ती चीज़ हमेशा धोखा ही देके जाती है, ये कहावत है। तो जैसे कि हम बात करेंगे सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए आपको लग रहा है, पर ठीक है वो तो आपको ऑनलाइन वालों को वैसे ही समझ में आ गया होगा कि कितना उनको नॉलेज मिल गया है कितना नहीं मिल गया है। तो आप जैसे कि आप देखें यहाँ पर MI के आपको यहाँ पर डायग्राम देखने को बहुत सारे मिल रहे हैं। ओप्पो की बात करेंगे तो ओप्पो के डायग्राम में Realme 3, 2, 1S, 1, अब जैसे Realme 3 को ओपन करके अगर स्कीमेटिक ओपन करें तो देखिए इसमें अच्छी बात ये भी है, तो देखिए इसमें अच्छी बात ये भी है कि इसमें है ना आपको बकायदा एक एक आपको ऊपर टैब खुलेंगे। जनरली कुछ में क्या होता था कि लिमिटेड टैब होते थे, जैसे कॉम्बिनेंट में ये होता है बहुत लिमिटेड टैब है, उसमें बहुत ज़्यादा टैब आप खोल नहीं पाते हैं, तो वो लास्ट टैब क्या करता है रिपीट होता है। सो वैसे ही अब जैसे यहाँ पे लेआउट मिल गया, और अच्छी बात मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से बताता हूँ, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा जिनको नॉलेज होगा तो वो बिल्कुल, कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने इसका टैब खोला, लोकेशन मार्क खोला, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गया, ये देखिए इसी में खुल गया है और ये ओके, अच्छा ये लोकेशन मार्क, अच्छा ये ठीक है, मैंने डबल टिक किया ये खुल गया। अब मैं अच्छा जिस टैब के ऊपर आप डबल टिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, देखिए यहाँ पर इन्होंने अलग से खुल कर रखा हुआ, थोड़ा सा ये बक्स है पर ये हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, अगर मैं यहाँ नीचे जाऊँगा सपोज किसी कॉम्पोनेंट को मैं सर्च करता हूँ तो आपको इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है जी हाँ, बहुत अच्छा है ये, मेरे कहा से जिंग जाऊ में भी है, आपको कॉपी करने के लिए आपको अलग से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए GPS के लिए तो आपके वाईफाई सेक्शन हो गया, यहाँ पर हमने कुछ सेक्शन लिए देखे हैं, ये देखिए तो ये जो सेक्शन आपको रिसीवर जैसे सेक्शन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब सपोज ये जो कंपोनेंट है ये रजिस्टर लगा हुआ है 0 ohms का, तो देखिए जैसे ही मैंने इसको डबल टिक किया ये यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत अच्छा एक इसका अपडेट है। और अब आप क्या करेंगे लोकेशन मैप पर जाएंगे, देखिए ये आपको यहीं पर दिखाई देगा, आपको इसको जूम करना है और सिर्फ इसको ये करना है, देखिए उसको ये वाला एरो दबाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हाँ भाई ये रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, मतलब हमको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखेंगे कि भाई ये जो कैपेसिटर है पैरेलल जो लगा हुआ है, एक रेफरेंस कैपेसिटर है, ये कहाँ लगा हुआ है, जो कि ये यहाँ लगा हुआ है, और बेसिकली ये एक NC कैपेसिटर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ जाएंगे देखिए डायोड आपको देखने को मिलेगा ESD, जब प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने खुद बता दिया कि भाई मैं प्रोटेक्शन के लिए हूँ, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो उसके बाद अगर ये लाइन कहाँ जा रही है तो इसको मैं लूँगा, तो भाई इसके बाद ये लाइन जानी चाहिए पावर IC में, तो ये लाइन यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गई है और ये आ गई है MTCS 358 जो कि है पावर IC, ठीक है। अब मैं इसकी भी लोकेशन ट्रेस करता हूँ कि भाई कहाँ लगी मेरी पावर IC, तो
हाँ, क्योंकि MD6358 के नाम से तो पावर ऐसी लगेगी नहीं, ये लगी है इसके नाम से, यू के नाम से, तो यू में ना डी हटा देता हूँ, तो ये शायद कर ले डिडेट कर लिया। तो दोस्तों बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, अच्छा एक इन्होंने देने की कोशिश की है। अब देखो क्या क्या आपको अलग मिलेगा, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होंगे कि सर इसमें हमें नया क्या मिलेगा, मतलब अभी जिंजाओ भी आ गया, अभी कॉम्बिनेट भी चल रहा है मार्केट में, और डी ट्रैक्स तो पहले कॉम्बिनेट के साथ ही हो गया है, उसके अलावा ऐप फाइंडर तो दोस्तों बिल्कुल अपडेट नहीं है, तो बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है ऐप फाइंडर क्यों। तो अगर उसके अलावा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ कि ये तो आपको सर्किट डायग्राम को आपको देखने को मिलेंगे ही, यहाँ पर सर्किट डायग्राम तो आपको देखने को मिलेंगे ही। साथ में बहुत से लोगों ने कहा था कॉम्बिनेट में वीवो नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसमें देखिए वीवो भी है, इसमें वीवो के मॉडल भी डले हैं, और ये आगे कुछ अपडेट भी करेंगे, जैसे कि मैंने इनके जो भी ये कंपनी है उनसे मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि वो इसको अपडेट करेंगे। सीरीज इसमें जे सीरीज, सैमसंग के जे सीरीज भी आपको देखने को मिलेंगे, J3, J4, J5, J6, J7, J8 भी हैं यहाँ पर, और तो ये सारी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको खास इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको नया क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा चाइनीज मोबाइल डाटा सीरीज, जैसे PM660 मेन पावर एसी जो लगी है 1860L, तो वो होती है उसकी एक तरह से सेकेंडरी पावर एसी, तो उसकी डाटा सीट। तो बेसिकली यहाँ बता रहे हैं कि ये देखिए क्या क्या काम कर रही है उसके अंदर के, ये आपको ब्लॉक डायग्राम है कि भाई इनपुट आउटपुट, ये इनपुट पावर मैनेजमेंट है, आउटपुट पावर मैनेजमेंट है, इनपुट से आउटपुट करता है, आईसी लेवल इंटरफेस करता है, SPMI सर्किट को कंट्रोल करता है, और पावर ऑन सिग्नल बेसिकली जो इसका मेन फंडा है, इंटरप्टेड लाइन इंटरप्शन लाइन का इसमें सिग्नल आते हैं और जाते हैं, यूजर इंटरफेस के साथ ये जुड़ा हुआ है, और जनरल हाउसकीपिंग जैसे एनालॉग सिग्नल्स के साथ ये वर्क करता है, और क्लॉक सिग्नल ये लेता है अपना, और यूसी जैसे यूएसबी मतलब एक चार्जिंग आईसी भी है, बीपीएच जैसे ये एक पावर कंट्रोलिंग आईसी भी ये मानी जाएगी। इस आईसी की लेंथ और इस आईसी की सारी विथ और ये सब बताया गया है, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है डाटा सीट, जहां पर इस आईसी को बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। अब देखिए आप बोलेंगे सर इस डाटा सीट का क्या फ़ायदा होता है और ये हमें क्यों ज़रूरत होती है, तो बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप क्लास ज्वाइन करें तो हम आपको इसको बहुत अच्छे से एलिब्रेट कर सकता हूं मैं आपको, और ये बता सकता हूं कि डाटा सीट से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। अब देखिए ये इसका डाटा सीट है, तो दोस्तों ये है GPIO, ये IO जो सप्लाई है ये आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, BWET सप्लाई रेफरेंस BPH। तो जैसे आप जानना चाहते हैं भाई ये सप्लाई क्या काम करती है, तो उसके नीचे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, DO मतलब डिजिटल आउटपुट होता है, PI मतलब पावर इनपुट होता है, Z मतलब हाई इम्पीडेंस आउटपुट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाले इसमें पढ़ सकते हैं। आप ऐसे ही देखिए SDM660 की डाटा सीट, यहाँ पर एक CPU की डाटा सीट भी यहाँ पर दी गई है, कमाल की बात है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है कि भाई ये किस किस को कंट्रोल करता है, इसके अंदर क्या क्या यूनिट आती हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे देके रखी हुई हैं। और आपको इसके साथ क्या मिलेगा, लेआउट आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे मान लो हुवावे के लेआउट हैं, हुवावे के भी बहुत सारे लेआउट आते हैं, वीवो के लेआउट डाला हुआ, जैसे वीवो हम डाल जाते हैं वीवो का Y93। अब जैसे Y93 मैंने क्लिक किया तो बिट मैप मतलब लेआउट ओपन होगा, जैसे ZXW या वूजिंग में होता था। अब सपोज इसमें मुझे इसका ISP पिन आउट ढूंढना है, तो भाई अब बहुत आसानी है इसका ISP पिन आउट ढूंढने, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन इसके डायरेक्ट यहाँ जा रही है, ओके। अगर हम यहाँ बात करें ये होता है आपका, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो मे बी ये क्लॉक या CMD इसमें से कोई एक है। तो यहाँ पर जिस तरह से आप इसका ISP भी यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, BGA 254 लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पावर सर्किट, और जैसे सपोज यहाँ पर आपको कनेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ये ब्लू वाला आपको लिंक कर रहा है कि ये एक NC कनेक्शन है, और यहाँ पे बाकी ग्रीन आपके हैं जहाँ पे आपको रीडिंग और सप्लाई देखने को मिलेगी, और जो आपको ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, कुछ सिल्वर कलर का आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड्स हैं। तो जैसे सपोज ये यहाँ से का 7 कनेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट बताए हैं जो कि पैलर यहाँ पे कंपोनेंट बताए हुए हैं सारे, और उसके बाद में ये सप्लाई लाइन कहाँ जा रही है, तो ये सप्लाई लाइन देखिए इसके जस्ट पीछे जा रही है यहाँ पर, और ये सप्लाई लाइन यहाँ सीरीज के साथ में यहाँ जा रही है, उसके बाद में
ये सप्लाई लाइन को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आने के बाद देखते हैं ये कहाँ अभी एक LDO सेक्शन में जा रही है, मतलब ये एक AVDD या DVDD का एक आउटपुट पॉइंट हो सकता है, मतलब एनालॉग डिजिटल ड्रेन ड्रेन या बात करें डिजिटल जो वोल्टेज होता है ड्रेन ड्रेन उसका ये सिग्नल आउटपुट होता है, जो कि कैमरे को जब हम एक्टिव करते हैं तो उसमें 2.8 वोल्टेज जो मिलता है वो एक LDO के थ्रू मिलता है, तो यहाँ पर लगा हुआ है। इस LDO में आ रहे EN सिग्नल आपको CPU से देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यार दोस्तों बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि ये परचेस करना चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ परचेस नहीं किया, जैसे आपने जिंगजाओ परचेस नहीं किया है, ठीक है, आपने कॉम्बिनेट परचेस नहीं किया, तो मुझे लगता है देखो कॉम्बिनेट है सस्ता, अगर आपको लगता है कि आप सस्ते पे जाना चाहते हैं तो कॉम्बिनेट सबसे बेस्ट है, पर आपको अगर बिट मैप और ये सारी चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें आईफोन का भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और मेंटेनेंस केस अभी हम देखने वाले हैं, तो ये इसके लिए आप ये बिल्कुल जा सकते हैं। इसका जो प्राइस है मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, वीडियो पूरा देखिएगा, कभी कहीं पे भी प्राइस बता सकता हूँ इसका मैं। तो और इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, शेयर के साथ फाइल शेयरिंग सिस्टम में यहाँ पे भी आपको देखिए बहुत सारी फाइलें आपको देखने को, देखो कितने सारे, मतलब Xiaomi के जो वहाँ पर आपको देख रहे थे कि शायद वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर Redmi Note 6 Pro हो गया, Redmi Note 7, Note 8, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आपको देखने को मिल रही हैं। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग इन्होंने डायग्राम डाले हुए हैं, अच्छा तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ बंद, ये देखिए अच्छा बहुत जल्दी ओपन भी होता है, डाउनलोडिंग में टाइम नहीं लगता है, जिंगजाओ में डाउनलोडिंग में टाइम लगता है, खुलने में भी टाइम लगता है, वो जिंग में जैसे हम बात करें उसमें तो वो एक अलग ही है, वो तो एक आईफोन लेवल पे काम होता है उसमें। ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे डाल के बैठे हैं और ओके, क्योंकि दोस्तों ये फ्री है इसलिए लिमिटेशन बोल रहा है, जब आप इसको परचेस कर लेंगे तो ये लिमिटेशन नहीं आपको बोलेगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, एक कॉलकम का MI के नोट डायग्राम, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डाली हुई है। और इसके साथ अगर हम बात करें कि मेंटेनेंस केस में इन्होंने आपको क्या, और बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत वन क्लिक में हो रहा है, मतलब कुछ भी डबल टिक करने की जरूरत नहीं है, हैंग नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी यूज़ में हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेंटेनेंस केस में जाऊँ तो यहाँ पर चाइनीज़ मेंटेनेंस केस में देखिए, हालांकि चाइनीज़ में है, अब देखिए जैसे मैं कुछ ओपन करता हूँ, जैसे मैट 28 मेगा से हुवावे का है, मैं इसको ओपन करता हूँ, वाईफाई का ये बता रहा है कि क्या क्या मेंटेन केस में किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाईफाई आईसी मेरे ख्याल से बताया है इसने, और ये कुछ वोल्टेज सप्लाई बता रहा है कि क्या क्या आपको वोल्टेज सप्लाई आपको देखने यहाँ पर मिल सकते हैं। हाई सिलिकॉन का यहाँ पर आईसी लगी हुई है और यहाँ मेंटेन केस सिर्फ खाली इतने दिए हुए, हो सकता है ये इसको आगे अपडेट करें। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत अच्छा मुझे एक लग रहा है। तो ये डोंगल परचेस करना है तो बिल्कुल आप परचेस कीजिए, ये डोंगल आपको बाजार रेट में मिलेगा। देखिए कितने का मिलेगा ये, अगर आप इसको जब अब इसके मेन लेआउट में आएंगे ना तो ये आपको मिलेगा $90 का, आप किसी और से खरीदेंगे ना तो $90 का मिलेगा, जो कि मार्केट रेट में आपका आएगा, ये जो कि मार्केट रेट में आएगा 6,700 समथिंग का $90 के हिसाब से। पर आपको अगर ये ZX Malik से आपको परचेस करना है तो ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं प्राइस का खुलासा कर ही देता हूँ, ये आपको एंड यूजर, मतलब अगर आप डायरेक्ट किसी और से परचेस करेंगे तो हो सकता है आपको $90 का मिल जाए, जो कि होगा 6,700 समथिंग का, और उसमें तीन यूज़र आपको मिलेंगे 3 साल के लिए। बट अगर आप ये एक यूज़र के लिए परचेस करते हैं किसी और से तो ये आपको मिलेगा 4,500 रुपये का 1 साल के लिए। पर अगर आप परचेस करते हैं ZX Malik से वीडियो का रेफरेंस देकर और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके कि भाई हाँ सर मैंने सर के चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो ये आपको हम दिला देंगे बहुत कम रेट में, ये आपको मिल जाएगा मात्र 6,000 रुपये का आपको मिल जाएगा, जो 3 साल के लिए होगा यूजर्स के लिए, और 5,500 रुपए का एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट के लिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप एसर टेलीकॉम के कोई स्टूडेंट देख रहे, देखिए आप खुद सोचिए कि आप यहाँ से पढ़ के गए 1-2 साल, अभी वो लोग जो अच्छे से काम कर रहे हो, जो हमसे जुड़े हुए हैं अब तक, ठीक है, तो और वो जो हमसे जुड़कर वो जानते हैं कि भाई इनसे जुड़ेंगे तो आगे भी हमको बहुत फायदे होंगे, तो भाई उनको फायदे दिला देते हैं। 5,500 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ सिंगल यूजर अगर आप परचेस करते हैं तो ये Malik से आप सबको मिल जाएगा आपको 4,200 रुपये का, जो कि मैंने बताया था एंड यूजर आपको 4,500 का मिलेगा, एंड मतलब कहीं और से,
4,200 रुपए का आप जेडेस वॉलेट से परचेस कर ले। और अगर आपको ये एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट है तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 3990 का, 3990 में आपको ये मिल जाएगा, जो कि में भी बहुत कम रेट है बाकियों के हिसाब से। अब कोई क्या रेट है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में वीडियो में बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएं आपको अच्छा लगा कि, और आपको नई जानकारी यहाँ पे देखने को मिली है। प्लस आप अगर आप आईफोन का रिव्यू चाहते हैं तो मेरे देवदन अग्रवाल के चैनल पर जाइए और आईफोन के यहाँ पर रिव्यू आप देखिए, क्योंकि मैंने उसमें आईफोन के रिव्यू भी डाले हुए हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ सीखने के, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी इस वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज़ है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर वन पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल, नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे। पर उनका क्या, जो सिर्फ 6 लैग की आईसी सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लैग उसके ऊपर क्या। तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1,000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर वन पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस। मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर, कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप ईएमएमसी लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे रेडमी नोट 8 प्रो की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर आईसी के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल, जो उनकी सप्लाइयाँ हैं, वो सारी सप्लाइयाँ उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के, आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहाँ हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जुड़े रहे इसी तरह, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तल को और फिलो तल को आने वाले समय में देने वाले हमारे क्रिकेट और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है।
एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए, इनके लिए आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.